नमस्कार दोस्तों, भारत में कोरोना की वैक्सीन कब तक अवेलेबल होगी? ये सवाल काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पे पूछा जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी ठोस जानकारी इसके बारे में उपलब्ध हो रही है। कल प्रधानमंत्री जी ने जायडस कैडिला अहमदाबाद, इसके बाद भारत बायोटेक हैदराबाद और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, यहाँ का जो है दौरा किया। और यह इसके बाद जो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO है आदार पूनावाला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी सीरम इंस्टीट्यूट में लगभग 4 करोड़ डोज बने हुए हैं। इसके बाद हर महीने में यहाँ 10 करोड़ डोज बनाने की इनकी क्षमता है और यह अभी फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में जो डोज शुरुआत में बनेंगे वो सब भारतीयों के लिए रहेंगे, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट को जो परमिशन मिली है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बनाने की, वो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने दी है और इनको अपने 50% डोज जो है बाकी कंट्रीज़ को देने पड़ेंगे। तो भारत के पास 50% डोज अवेलेबल रहेंगे। अब ये डोज में से कितने डोज जो है ये गवर्नमेंट को देगी और कितने डोज ये प्राइवेट मार्केट में आएंगे, इसके बारे में अभी ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहा जा रहा है कि 10% डोज से प्राइवेट मार्केट में आएंगे, जैसे प्राइवेट सेक्टर है, और शुरुआत में जो मैक्सिमम डोसेस है सरकारी से खरीदेगी, क्योंकि जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है, जो एट्रिस ग्रुप है, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के नतीजे आए हुए हैं और इसमें एक डोसिंग पैटर्न में ये वैक्सीन लगभग 90% इफेक्टिव पाई गई है। इसके बाद इंग्लैंड में रेगुलेटर्स अभी इस वैक्सीन का जो डेटा है उसको एनालाइज कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इंग्लैंड में क्रिसमस के पहले इसको अप्रूवल मिल जाएगा। भारत में भी इसकी ब्रिजिंग स्टडी हो रही है और इसके डोज लग चुके हैं और इसके जो नतीजे हैं काफ़ी आशादायक है। और अभी आदार पूनावाला जी ने कहा है कि आने वाले 2 हफ्ते के अंदर ये वैक्सीन के अप्रूवल के लिए अप्लाई करने वाले। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला इन्होंने दी है, तो इसको विश्वसनीय जानकारी हम कह सकते हैं। तो 2 हफ्ते के अंदर ये अप्लाई करते हैं तो इस डेटा को एनालाइज करके भारत में इसको तुरंत अप्रूवल दिया जा सकता है, क्योंकि एक बार इसको इंग्लैंड में अप्रूवल मिल जाता है तो भारत में अप्रूवल देने की प्रक्रिया काफ़ी आसान होगी और फिर आने वाले दिनों में दिसंबर के अंत तक या जनवरी के शुरुआत में भारत में इसका वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। धन्यवाद।